वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और एक वर्कशीट आई है हमारे पास, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जो सेम क्वेश्चन है वो आपको एग्जांपल में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उस एग्जांपल को, इस क्वेश्चन को देखने के बाद ज़रूर करें। और हमने इससे पहले भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें हमने NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व करा हुआ है। आपको मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कार्ट में आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो अगर कोई डाउट हो, हम आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट उसके अंदर कोई चैप्टर या एक्सरसाइज उसमें करनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उसके ऊपर भी काम कर सकें। स्पेसिफिक क्वेश्चन आइए चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से इसको देखा जा सकता है, करा जा सकता है। आज मैं उस तरीके से कर रहा हूँ जिसमें इसको वर्कशीट में भी करा रखा है। तो मेरे पास जो अलग से एक वीडियो है पहले से मैंने बना रखी है ऐसी क्वेश्चन रिलेटेड, उसके अंदर मैंने और एक तरीका यूज़ करा हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। उसने बोला है एंगल ए एंड एंगल क्यू बोला है आर एक्यूट एंगल, ठीक है, एंड आर एक्यूट एंगल सच दैट द साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अब उसने बोला एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, यहाँ पे क्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी ले लो, आर ले लो चाहे तो। और हम पहले कंस्ट्रक्शन कर देंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना देंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर बना दिया। आप इसको डी मार्क कर दो, कुछ भी मार्क कर देते हैं। परपेंडिकुलर हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा हो जाते हैं ना, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही मिलते हैं आपको। अब उन्होंने पहले क्या बोला, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। पहली चीज़ उसने बोल दी कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ठीक है, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। साइन का मतलब होता है पी अपॉन एच, साइन इज पाप है पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसके, इस केस में सामने वाला आर डी, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ आर डी, पाप है एच, हाइपोटेन्यूस होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो बी आर, ओके। इसी तरीके से साइन क्यू, इसके सामने वाला क्या हो गया आर डी, और यहाँ से इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आर क्यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक स्टेप हो गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आपको मिल जाएगा यहाँ से इक्वल्स टू, अगर मैं इसको के मान लूँ तो सबकी वैल्यूज आपको के की टर्म्स में मिल जाएगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों केस में क्या करना चाहता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता हूँ। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम पहले यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर हम इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं निकालूं क्या निकलेगी, बी आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस आर डी स्क्वायर, ये वाला ट्राइंगल की। अब ये वाला ट्राइंगल की निकालते हैं, क्या निकलेगी, आर क्यू स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर डी क्यू स्क्वायर प्लस आर डी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें दोनों के दोनों केसेस में आर डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं दोनों ही केसेस में आर डी की वैल्यू निकालना चाहूँगा, आर डी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये वाला बी डी स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी आर स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और यहाँ से भी आर डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर क्यू स्क्वायर माइनस डी क्यू स्क्वायर। अब दोनों की दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई, तो मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, वन इज इक्वल टू टू इक्वेशन। तो बी आर स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर माइनस डी क्यू स्क्वायर। ये इन्फॉर्मेशन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो बी यहाँ से आइए, बी आर स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर माइनस डी क्यू स्क्वायर। अब इसी तरीके से हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको निकालें। तो आप खुद सोचें, इसके अंदर से हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बी आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आर क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इक्वल्स टू इसको के रख सकते हैं, पहले हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। मैं इसको और करके लिख रहा हूँ। रेसिप्रोकल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आर डी की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें बी आर की वैल्यू निकालनी है।
हमें बी आर की वैल्यू निकालेंगे आर डी के टर्म्स में, तो हमें इसको पहले क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ बी आर अपॉन आर डी इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन आर डी। ठीक है, अब ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, दोनों के दोनों फ्रैक्शन की ना कोई वैल्यू तो होगी जो वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैं इसको के मान लेता हूँ। तो मुझे इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर मैं इस पार्ट को के इक्वल कर दूँ और आर डी उधर ले जाऊँ मल्टीप्लाई करा दूँ, तो बी आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, के टाइम्स आर डी, पहली चीज़। इसी तरीके से इसको भी मैं इसके के इक्वल कर दूँ तो मेरे पास आर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टाइम्स आर डी। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। बी आर की वैल्यू क्या है, के टाइम्स आर डी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर वहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं बी डी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे आर क्यू की वैल्यू क्या है, के टाइम्स आर डी। माइनस डी क्यू स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट इक्वल है तो कट सकता है, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी क्यू स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, बी डी इक्वल्स टू डी क्यू। अब बी डी डी क्यू के इक्वल है, तो बी डी और ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या, परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। तो एज आर डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दे फोर आर बी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल जो होते हैं वो ये बेस के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, दे फोर एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ आपका हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। मानता हूँ इसको थोड़ा सा टफ है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको 2-3 बार देखें, समझें, और इसका जो दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है करने का, आप उसको भी ज़रा ऑब्जर्व करें। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है कॉट थीटा की उन्होंने वैल्यू दे दी है, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो है 7/8 है, और उन्होंने मांगा है फर्स्ट पार्ट में क्या मांगा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, अगर आपको एलजेब्रा की वो आइडेंटिटी याद है तो ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं फिर दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मैं आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा टॉपिक अलग से, मैं ट्रिगो की जो वीडियोस हैं वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर आप देख लें। साइन थीटा स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर ये नहीं होता, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ध्यान रखें ये एक नंबर है, साइन थीटा एक नंबर है, अलग अलग नहीं है। साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता, साइन इंटू थीटा ये बिल्कुल भी नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है साइन स्क्वायर थीटा। या तो आप ऐसे लिखेंगे या तो आप ऐसे लिखेंगे, ये दो तरीके हैं,
इन तरीके से आप नहीं लिखते। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। अब इसका आपको पता चल गया कि इसका मतलब होता है होल स्क्वायर। तो अगर मेरे पास साइन की वैल्यू सपोज करो 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो मतलब इसका सिंपल सा है। अब पहले हमें क्या करना है, ट्राइंगल की मदद से पहले सारी की सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। कॉट थीटा दे रखा था, कॉट थीटा दे रखा है 7/8। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और यहाँ पर हम थीटा मार्क कर देते हैं। कॉट क्या होता है, बी पी का उल्टा, टेंशन से होती है ना बी पी बढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है बी पी का उल्टा, तो बी ऊपर आ जाएगा पी नीचे। तो मेरे पास बेस हो गया 7, तो ये 7 है, परपेंडिकुलर हो गया 8, तो मुझे ये फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 + 64। 49 + 64 कितना आया, यहाँ पर आया 3 × 10 = 113। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 113 का रूट। तो यही हमारी वैल्यूज है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है पाप है P/H। देखो याद करने का तरीका है, सिन होता है ना सिन, इंग्लिश वर्ड सिन, सिन का मतलब होता है पाप है पी, परपेंडिकुलर क्या है 8/√113। और कॉस की वैल्यू क्या हो गई, बॉल है कॉस्को जो है ना, उससे हम बचपन में कॉस्को से बॉल से खेलते थे क्रिकेट, तो कॉस्को की बॉल होती है B/H, बी होता है 7/√113। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका कैसा लग रहा है। चलो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस इसी का लिख देंगे रूट स्क्वायर 8/√113 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 - 7/√113 का स्क्वायर। अब मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं। ओके। अब इस तरीके के फ्रैक्शन देखते जो ना बच्चों को डर लगने लग जाता है कि अब ये क्वेश्चन होगा कैसे। ध्यान रखें जब भी फ्रैक्शन हो और खुद भी फ्रैक्शन हो तो घबराने की बात नहीं है, आप इसको इस तरीके से लिखें 1 माइनस, मैं इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ साथ में ताकि हमारा टाइम भी बचे। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और √113 का स्क्वायर हो गया 113, ठीक है, और नीचे को लिखे डिवाइड करके, क्योंकि डिवाइड हो रहा ना ये लाइन फ्रैक्शन की है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 7 का हो गया 49 / 113। तो ये आ गया आपके पास, इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 113 - 64/113 / 49/113। देखो बेसिक्स हैं, फ्रैक्शन नहीं आता, जो भी नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप वीडियोस पहले से बनी हुई हैं वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इसको माइनस कर देते हैं 113 - 64, सो 49 हो जाएगा ये। देखो ये दोनों को प्लस करके तो आया था, यहाँ देखो 49 + 64 113 था, तो अगर मुझे 113 - 64 करना था 49, और 113 - 49 करना है तो 64। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसान हो जाती है। डिवाइड हो रहा तो राइट वाला रेसिप्रोकल, मैं इसको कहता हूँ RR रूल, डिवाइड के केस में राइट वाला रेसिप्रोकल। सो 49/113 × 113, ये 1 छूट गया यहाँ पर, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे, 113 कट गया तो क्या आया 49/64। तो इसका आंसर क्या हो गया पहले पार्ट का 49/64। अब इसी के क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट में पूछा था, सेकंड पार्ट में हमने बोला था कि ये निकालो कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। अभी अभी हमने सीख लिया कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। और कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा दे रखा था, मैं भूल गया ऊपर क्या दे रखा था, 7/8 दे रखा था, 7/8 का स्क्वायर। तो 7/8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, देख रहे हो ये दोनों मैच कर गए। एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, जो पहला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है वो फॉर्मूलाज है,
हम आगे वाली वर्क एक्सरसाइजेज में देखेंगे, वर्कशीट में देखेंगे कि वो दोनों फॉर्मूले की तरह काम करते हैं। तो आप अभी चिंता मत करें, आप बस इतना ध्यान रखें दोनों का आंसर सेम आएगा, 49/64। ये हमारा चेक पॉइंट भी हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से रीड कर लेते हैं और उसकी फिगर बना लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन, करने का तरीका, स्क्वायर समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी उसने बोला है और सी जो बोल दिया है वो राइट एंगल है। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात है सी, ठीक है, सी क्या बोला, और उसने थीटा बोला है, एंगल ए बी सी पे थीटा है, तो मैं नीचे थीटा लेना चाहता हूँ, तो ये बी है और ये ए ले लेता हूँ। आगे उसने क्वेश्चन ने बोला ए बी इक्वल्स 29, ए बी की वैल्यू उसने 29 दे दी एंड बी सी की वैल्यू दे दी 21, बी सी की वैल्यू दे दी 21 एंड थीटा दे दिया एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो थीटा यहाँ पर आ गया। थीटा का मतलब होता है वो एंगल जो साइन थीटा कॉस थीटा के आगे लगा होता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, तो पहली चीज़ उसने बोली है ढूंढने के लिए, हमें बोला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको मैं बता दूँ इसका आंसर आने वाला है 1, मैं पहले बता देता हूँ। कैसे पता मेरे को, वो आपको भी पता चल जाएगा आने वाली वर्कशीट में। और सेकेंड चीज़ उसने बोली है ढूंढने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर मुझे नहीं पता, इसका आंसर अभी हम ढूंढेंगे निकल जाएगा। पहले बताइए आप लोग क्या करेंगे। देखो हमारे पास तीसरी चीज़ तो है नहीं, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से हमें तीसरी चीज़ निकालनी होती है। 29 स्क्वायर इक्वल्स टू 21 स्क्वायर प्लस ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर लिख देते हैं। सो 29 स्क्वायर 30 है, तो 30 का हो गया 900, 900 से थोड़ा सा कम होगा। अब कैसे निकालते हैं इसको, हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। देखो 900 हो गया आपका 1 का स्क्वायर हो गया 1, 901 माइनस 2ab, तो 330 इंटू 1 30 इंटू, तो 60, तो 60 माइनस कर देते हैं इसमें से हम, कितना आ जाएगा, अगर 900 होता तो कितना आ जाता है, 840 आ जाता, 841 हो जाएगा इसका आंसर। सो 841 इक्वल्स टू 400 का हो गया यहाँ पे 441। कैसे करा हमने, 400 प्लस 1 प्लस 40 तो 441 प्लस ए सी स्क्वायर। इसकी हम जल्दी से वीडियो अभी हम निकालेंगे कि किस तरीके से आप मेंटली कर सकते हैं, नथिंग बट हमने एक आइडेंटिटी यूज़ करी है। इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, 841 माइनस 441 कितना आएगा, 400, ठीक है, इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो 20 इसका आंसर हो जाएगा ए सी का। तो मेरे पास ये वैल्यू मिल गई 20, तीनों वैल्यू मेरे पास मिल चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, साइन और कॉस निकाल लेता हूँ जो चाहिए। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा होता है पाप है, पी अपॉन एच, साइन थीटा हो गया पाप है। तो पी क्या है इसके अंदर, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला 20 है, मतलब हाइपोटेन्यूस 29। और इसके बाद उसने बोला कॉस थीटा निकाल लो, कॉस क्या होता है बॉल है, बी क्या है 21 अपॉन 29। अब इन सबको जो है हमें स्क्वायर भी करना होगा क्योंकि इन्होंने पहले पार्ट में बोला, तो मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर मतलब 21 का अपॉन 29 का स्क्वायर करो प्लस साइन का मतलब 20 अपॉन 29 का स्क्वायर करो। 21 का स्क्वायर अभी हमने करा था 441 आया था 441, और 29 का स्क्वायर करा था हमने आया था 841। 20 का स्क्वायर 400 होता है और इसका होता है 841, तो इसको अगर हम प्लस करें, देखो प्लस करके कितना आएगा, 841 अपॉन 841 आंसर आया 1। बोला था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, अंतर्यामी की तरह हमने आइडेंटिटी का यूज़ करा था, आप चिंता ना करें आपको भी याद हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 1। तो दूसरे पार्ट का आंसर हम क्या कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं, ये यहाँ पे माइनस डाला और यहाँ पे माइनस डाला। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस ए, तो कितना आया 41 अपॉन 841।
रिड्यूस तो मुझे लगता नहीं कि ये होगा, देख लेना। 841/841 इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके यहाँ पे वर्कशीट ख़त्म हो गई है, आपको वर्कशीट कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।